नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हमारा ऑफिस दिखाएंगे। ये सोवेन न्यूज का ऑफिस है जो शामगढ़ मंदसौर जिले के अंदर स्थित है। ऑफिस पूरा हाईटेक है। चलिए आज हम आपको हाईटेक ऑफिस के दर्शन कराते हैं। वेलकम। ये मेरा ऑफिस रूम है जहां मैं बैठकर काम करता हूं, वर्किंग करता हूं। ये मेरा लैपटॉप है, प्लस इस पर मुझे कुछ बात करना रहती है, वीडियो कॉलिंग करना रहती है, तो मैं इस पर वीडियो कॉलिंग और ये करता हूं। ये टेलीविज़न है बड़े न्यूज चैनलों को देखने के लिए, मैंने लगा रखा है यहाँ पर। ये टेलीविज़न रिप्लेस हुआ है, तो स्पीकर है, कभी म्यूज़िक सुनने का मन होता है या फिर म्यूज़िक को मुझे लाउड चाहिए तो मैं इन स्पीकरों का यूज़ करता हूँ। आइए, ये मेरा डाइनिंग रूम है जहाँ मेरे कुछ न्यूज़ चैनल के गेस्ट या मेरे गेस्ट या मेरे फ्रेंड्स लोग आते हैं, तो मैं उनको। ये हमारे ऑफिस का किचन है जहाँ पर हमारे स्टाफ के लिए टी, कोल्ड ड्रिंक्स या उसका इंतजाम किया जाता है। कभी कभी उनको भूख लगती है तो वो खाना बना लेते हैं। ये मंदिर है, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ और एक्चुअली मैंने सभी देवी देवता रखे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक्चुअली कुरान भी रखी है जहाँ मुझे पूरा ये मालूम पड़ता है। न्यूज़पेपर था जो पहले चलता था, 5 साल पहले ये बंद हो गया। मैं सी मैगजीन्स हमेशा निकालता था मेरे चैनल और मेरे अखबार के माध्यम से, ढोल की आवाज़ जो अभी बहुत ही जल्दी मार्केट में नए नाम के साथ आने वाला है। ये मेरी बुक्स हैं, इसमें मैं सारी रीड करता हूँ, मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये। ये मेरी टेबल है, आप देख सकते हैं। ये टेलीफोन है जिससे मैं बात करता हूँ आप लोगों से और आप लोगों से जुड़ता हूँ। ये मेरी क्विज है और हमने इसका अभी नाम नहीं रखा है, लेकिन हम बहुत ही जल्दी इसका नाम रखने वाले हैं। प्रिंटर है जिस पर मैं प्रिंट्स निकाल कर लोगों की हेल्प करता हूँ, बहुत सारे लोगों की। ये हमारा एक और रूम है, यहाँ पर हमारी बैठक है। एक्चुअली हम यहाँ बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। ये म्यूजिक स्टूडियो भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सॉन्ग्स, जो भी लोग हमारे शामगढ़ के या मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग रहते हैं उनके लिए मैं सॉन्ग रिलीज करने का काम करता हूँ। तो ये हमारा एक छोटा सा बिजनेस भी है, प्लस ये हेल्प भी है। ये मेरा हुक्का है एक्चुअली, तो इसका मुझे बहुत शौक है और कई लोगों को होगा भी, तो इसलिए। ये माय गिटार, ये कभी कभी जब मूड खराब होता है तो इस पर मेरा थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। ये हमारे टेडी बेडी ऊपर है, से हेलो। एंड ये टेलीविजन है इस रूम के लिए, जहां पे कुछ हमें चीजों की जरूरत पड़े तो हम इसको कर लेते हैं। हमारा है स्टूडियो। आपने न्यूज चैनल के कई स्टूडियो देखे होंगे बड़े, लेकिन ये मेरा छोटा है, लेकिन पूरे जिले के लिए हाईटेक तरीके से ये स्टूडियो काम करता है। आइए सबसे पहले हम आपको ग्रीन कोमा बताते हैं। ये ग्रीन कोमा है, आपने मेरे पीछे कभी आपने देखा होगा कि जो स्टूडियो जो पीछे बैकग्राउंड चेंज होते हैं वो इसी पर्दे और सॉफ्टवेयर का कमाल रहता है। ये मेरा लैपटॉप है, यहां पर हम वर्किंग करते हैं। मेरे सहयोगी किशोर भी इसी पे सारा दिन काम करते हैं। एक्चुअली कमरे का कलर नहीं हुआ हुआ तो थोड़ा सा आपको लग रहा है। ये एक और हमारा सिस्टम है जिस पे हम वर्किंग करते हैं। ये ऑफिस का प्रिंटर है जो ऑफिस के अंदर के काम सारे क्लियर करता है। ये लॉक रहता है रूम, हम इसमें अधिकतम लोगों को नहीं आने देते। ये दोनों सिस्टम है जो सोशल मीडिया के स्टॉक पे काम करते हैं। ये मिरर है और ये आप जानते होंगे कि मिरर क्या काम करता है, ये सच बोलने का काम करता है। तो हमें कभी लगता है कि हम कहीं झूठ बोल रहे हैं तो मैं इसमें देखकर सोचता हूं कि क्या मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं उन जिलों की जानकारी मुझे मिलती है। ये ऊपर जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, ये लाइटिंग और प्लस छोटे जो ट्राइपॉड पड़े हैं, ये कभी कभी कुछ प्रोग्रामों में काम आने के लिए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में काम आते हैं। ये मेरा आप जो सामने देख रहे हैं ये मेरा इंटरव्यू रूम है, इसमें हम जनता के इंटरव्यू लेते हैं, या कोई सेलिब्रिटी होता है या पॉलिटिकल होता है तो हम उसके इंटरव्यू लेते हैं। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट इसलिए मंदसौर लिखा हुआ है। ये मेरे ट्राइपॉड हैं जो शायद मुझे बहुत हेल्प करते हैं कैमरा स्टैंड करने में। और ये ब्लू जो आप पर्दा देख रहे हैं, ये ब्लू पर्दा भी क्रोमा के ही काम आता है, पीछे बैकग्राउंड चेंज करने के
और उसमें कुछ कलर्स जो अच्छे इफेक्टेंट कलर हैं वो आप इसमें दे सकते हैं। ये मेरा आईपैड है जिस पे मैं बहुत सारा वर्क करता हूँ, ये मुझे बहुत सारे जो नए सॉफ्टवेयर रहता है उनमें मुझे हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये मेरा सैमसंग का टैब है जिस पे मुझे बहुत सारी हेल्प मिलती है वर्किंग करने के लिए। ये मेरा बहुत ओल्ड लैपटॉप है, इसको सिर्फ हमने स्टूडियो में इसलिए रख रखा है कि शायद मुझे कुछ वर्ड्स जो मैं भूल जाऊं तो मुझे मेरे सहयोगी किशोर इस पर दिखा दे इंटरव्यू के टाइम पर। अब आइए हम आपको हमारे सबसे मेन चीज के बारे में बताते हैं, कैमरास। सबसे पहला है मेरा विजन का ड्रोन। अगर मुझे कोई मूवी शूट या ऐसा कोई शूट करना है जिससे, तो मैं इस ड्रोन से करता हूं। उसके बाद ये जो दो टैबलेट आप देख रहे हैं, ये टैबलेट मुझे वेडिंग का काम करते हैं, इसमें वेडिंग स्टॉप होता है। ये मेरा एक माइक पड़ा है बीटा का जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। मेरा एक और कैमरा है सोनी का, आप देख सकते हैं। ये मेरे दो हैंडी क्रैप है जिनसे मैं कैमरा या मोबाइल पकड़ता हूँ हैंड में। ये मेरा वीआर बॉक्स है, कभी कभी मुझे कोई मूवी या कुछ ऐसा सीन देखना रहता है जो मुझे इफेक्टेड दे तो मैं इसलिए देखता हूँ। ये मेरे कुछ सॉफ्टवेयर हैं। अब आपको दिखाते हैं मेरे कैमरेस। ये बड़ा सोनी का एक कैमरा है, कैनन का है, कैडोप का है, एसडी जो वाटर कैमरा आप देखते आए हैं वो है। उसके बाद निकॉन का एक कैमरा है, फिर सोनी का एक कैमरा और सैमसंग का एक कैमरा है। सोनी का पीछे साइबर शॉट जो बहुत पुराना था वो पड़ा है। ये मेरी लाइट है, कभी अगर मुझे आउटडोर में शूट करना है तो मुझे इसका। ये मेरा एक ओल्ड मॉनिटर है, ये मॉनिटर भी मेरे लिए बहुत उपयोगी रहता है। अगर कभी मेरे कुछ मॉनिटर्स काम नहीं करते तो मैं इसको लगा लेता हूँ। एक छोटी एलईडी हमने लगा रखी है, अगर कोई गेस्ट आए और उसकी अगर स्पीच जो है तो वो स्पीच हम उस एलईडी पर दिखा देते हैं उसको। अब ये जो मेन लैपटॉप आप देख रहे हैं, ये लैपटॉप सोशल मीडिया पर मेरी सारी पोस्ट और मेरी सारी चीजें डालने के काम आते हैं। इनके पास आप कुछ मोबाइल्स देख रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया का ही काम करते हैं सारे मोबाइल। इन पे सभी मोबाइलों पर अलग अलग सोशल मीडिया की आईडी खुली है जो ये काम करती है। तो ये रहा हमारा ऑफिस, आप देख सकते हैं उधर कुछ आइडियाज पड़ी है जो न्यूज चैनल की मैं देने के काम करता हूं। ये ऑफिस हाईटेक तरीके से है और बहुत ही हाईटेक ऑफिस है। ये आप लाइटिंग भी देख सकते हैं। अब अंदर से आप एक बार इस न्यूज ऑफिस को देखिए।